द ब्लड विलेजर माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक वाला एंटिटी एंड मिस्ट्री। कुछ प्लेयर का मानना है कि बस एक माइनक्राफ्ट का ग्लिच है और कुछ प्लेयर का मानना है कि एक कॉम्बिनेशन है विलेजर का। तो ये विलेजर के पीछे का राज क्या है और कौन है ये ब्लड विलेजर? तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं द ट्रू स्टोरी ऑफ ब्लड विलेजर। तो हमको चलना पड़ेगा कुछ समय पहले, जब विलेज में बहुत घमासान युद्ध हो रहा था, मतलब कि यहाँ पर रेड हो रही थी विलेज में। विलेजर को बहुत ही ज़्यादा मार रहे थे और विलेजर यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे और प्लेयर्स बहुत एडवांस भी होते जा रहे थे और विलेजर का एक ही रक्षक था, वो था आयरन गोलम और कुछ अच्छे प्लेयर जो रेड को ख़त्म करने पे तुले थे। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा युद्ध होने लग जाता है। विलेजर अपने एरो के एडवांटेज की वजह से दूर दूर तक के विलेजर को भी मार सकते थे, लेकिन विलेजर का कुछ उपाय नहीं था क्योंकि विलेजर को अपने घर के अंदर रहना ही, स्टिल रहना ही उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते विलेजर के सामने। और इसी बात से एक अनजान व्यक्ति था, उसका नाम था कोनल, जो कि कुछ नहीं समझता था कि बाहर क्या हो रहा है बाहरी दुनिया में। उसका बस एक ही दोस्त था जिसका नाम है पार्की। वो पिक है लेकिन वो उसको अच्छे प्यार से रखता है क्योंकि वो उससे सबसे अच्छा क्लोज फ्रेंड है, लेकिन पार्की आगे बढ़ता ही नहीं और कोनल को बगल से एक तीर लग जाता है। तो कोनल यहाँ से भागने लग जाता है वहाँ से, और उसका फ्रेंड पार्की बाहर से देख रहा था, लेकिन पार्की क्या कर सकता है, वो तो एक पिक था। और कोनल धीरे धीरे करके एक जंगल में चले जाता है और आप देख सकते हो भाई कैसे कैसे बच रहा है ये कोनल इन विलेजरों से। आप यहाँ पर ये एरो से देख सकते हो कितनी क्लोज थी, इसको मारने वाली थी एरो, लेकिन कोनल यहाँ पर धीरे धीरे भाग लेता है और वहाँ भी विलेजर यहाँ पर से चल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अब खो चुका है। और विलेजर यहाँ पर बहुत ही अंधेरे जंगल में आ चुका था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी और कोनल बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी और यहाँ पर जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लग गया था। कोनल लड़खड़ा कर गिर जाता है और यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्यास लगने लग जाती है और वो उस नदी के पास चल जाता है, लेकिन वो नदी नहीं, वो ब्लड रिवर थी और वो इस ब्लड रिवर का पानी को पी लेता है, मतलब ब्लड को पी लेता है और उसको कुछ शुद्ध नहीं होती है और वो वहाँ पर ही सोने लग जाता है, कुछ सोचने लग जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ ये, और उसका सिर एकदम चकराने लग जाता है, वो हर कुछ सोचने लग जाता है और उसका सिर बहुत भारी भारी हो गया था और वो लड़खड़ा कर गिर जाता है वहाँ पर ही। और कुछ नहीं, अगले ही सुबह हो जाती है और सुबह वो उठता है, देखता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो अब पाता है कि मैं एक जंगल में हूँ और वो वहाँ से निकलने लग जाता है और उसको अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी अपने पास से, ऐसा लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन वो यहाँ से कुछ अनदेखा करके यहाँ से चलने लग जाता है और उसको कुछ डार्क एंटिटी जैसा पावर महसूस हो रहा था, लेकिन वो उसको अनदेखा करके वहाँ से चल जाता है। और कोनल यहाँ पर बहुत ही घने जंगलों में यहाँ पर भटक चुका था, वो कुछ नहीं समझ रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, लेकिन वो बहुत दिनों बाद अपने घर पर आ ही जाता है और उसका घर पूरा टूटा उटा रहता है। उसको लगता है कि अपना विलेज अब फिर से अब नया झक होने वाला है, रेड होने के बाद में पूरा विलेज खराब हो गया है, लेकिन अब विलेज सुधरने लग गया है। लेकिन कोनल भी अभी भी उदास रहता है क्योंकि उसको कोई विलेज में पहचानता भी नहीं है और ना वो किसी को जानता है, और कोनल को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और कोनल पीछे देखता है तो उसको कोई कुछ दिखता नहीं है, उसको लगता है कि ये मेरा मन का भ्रम है, लेकिन वो उसको थोड़ा बहुत डर लगने लग जाता है, उसको लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई काला साया मेरा पीछा कर रहा है, और वो वहाँ से जल्दी से भागने लग जाता है। तो वो रात के बाद सोचने लग जाता है, लेकिन वो कुछ सब बात को अनदेखा करने के बाद में वहाँ से निकल लेता है और यहाँ पर उसको डार्क विलेजर देख रहा था, लेकिन वो वहाँ अपने घर जाकर सोने लग जाता है और वहाँ पर वो बेड पर सो जाता है और वो कुछ सोचने लग जाता है। जैसे ही सुबह होती है, कोनल सबसे पहले जाता है क्लेरिक के पास उसका इलाज ढूंढने के लिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझको हर कुछ चीज़ कैसे दिखाई दे रही है। तो वो क्लेरिक के पास जाता है और वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन वो क्लेरिक मना कर देता है और वो जाता है लाइब्रेरियन के पास। तो वो कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास भी कुछ उपाय नहीं है, और पीछे से उसे डार्क विलेजर देख रहा था। और यहाँ पर अपना कोनल बहुत ही उदास होकर यहाँ से निकलने लग जाता है। और अगले दिन ही विलेज में तीन प्लेयर आते हैं और यहाँ पर सारे विलेजर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके साथ व्यापार करने के लिए तीन प्लेयर आए हैं, ट्रेड करने के लिए प्लेयर आए, लेकिन वो प्लेयर सब यहाँ पर चीट तोड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर चेस्ट को लूटने लग जाते हैं। तभी एक विलेजर आता है उनसे ट्रेड करने के लिए
और कोनल ये सब देखकर दुखी हो रहा था क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर सकता था। और एक प्लेयर कोनल के पास आता है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगे, तभी उसके साथ ही बताते हैं कि ये ट्रेड नहीं कर सकता और इनके साथ ही उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और यहाँ पर पीछे से डार्क विलेजर इस विलेजर को भड़काने लग जाता है कि ये तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम ट्रेड नहीं कर सकते। और यहाँ पर विलेजर को बहुत तेज गुस्सा आने लग जाता है। कोनल उस बंदे को एक बहुत जोर से पंच मारता है और वो बंदा बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तभी ये सब देखने लग जाते हैं और ये कहते हैं इसके पास क्या पावर आ गई है। और ये इनसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुमसे लड़ते नहीं बढ़ रहे, एक विलेजर ने मारा तुमको। तो ये बंदा स्वॉर्ड हेल लेता है और इस कोनल को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक आयरन गोलम कोनल को बचाने लग जाता है और वो तीनों प्लेयर यहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि बाद से कोनल तुमको फिर से मिलेंगे, हम जरूर बदला लेंगे। लेकिन कोनल यहाँ से चलने लग जाता है और उसके गाँव के पूरे लोग यहाँ पर कोनल के ऊपर धमकाने लग जाते हैं कि तुम किसी व्यक्ति को कैसे मार सकते हो, किसी प्लेयर को कैसे मार सकते हो, हमारे साथ वो ट्रेड करने आए थे। और कोनल कहता है कि वो ट्रेड नहीं कर रहे थे, वो हमारे को लूटने आए थे। लेकिन कोनल की बात कोई सुनता नहीं है और कोनल इस विलेज को छोड़कर जाने लग जाता है। और डार्क विलेजर ये सब देख रहा था और कोनल भी अब डार्क विलेजर को पहचानने लग गया था। कोनल बहुत दूर दूर तक जाने लग जाता है और कोनल अपने प्रेपर के लिए, बैटल के लिए तैयार होने लग जाता है। कोनल सब जगह देखता है कि यहाँ पर डार्क विलेजर मेरे फॉलो कर रहा है, मेरे को पीछे पीछे कर रहा है। कोनल स्वॉर्ड बनाता है और प्रेपर होता है अपने बैटल के लिए और बहुत चीज़ों से लड़ने लग जाता है वो। और वो अपने आप को ताकतवर बना रहा था, उसको थोड़ी ठंड लगती है तो वो फायर बना लेता है और वहाँ पर वो अपने हाथ सेकने लग जाता है। तभी वहाँ पर डार्क विलेजर आता है और कोनल को थोड़ा भड़काने लग जाता है। और ये कोनल कहता है कि कौन हो तुम, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और यहाँ से चले जाओ, मुझे दुख क्यों दे रहे हो। तभी यहाँ पर डार्क विलेजर आता है उसके पास और उनको बहलाने फुसलाने लग जाता है। कहता है कि विलेजर ने तुम्हारे साथ कितना अन्याय करा है, विलेजर तुम्हारे साथ नहीं देते, विलेजर कितना दुख देते हो तुमको, मैं सब देख रहा था और तुम्हारी कमजोरी को भी देख रहा था, कोई तुम्हारे साथ नहीं था। कोनल थोड़ा सतर्क हो जाता है लेकिन कोनल भी अब वहाँ डार्क विलेजर के झांसे में पड़ जाता है। और डार्क विलेजर कहता है कि मैं तुम्हें पावर दूंगा इस दुनिया से लड़ने के लिए, तो कोनल भी कह देता है हाँ मैं इसको स्वयं करूँगा। तो आज की वीडियो भी इतना ही, बाकी मिलेंगे और कोई सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर पार्ट 2।